Hey guys, we are back with a new video. So guys, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नवरात्रि की पूजा किस विधि द्वारा की जाती है. हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो में सामग्री ली थी वो हम आपको दिखाएंगे किस जगह किस किस तरीके से यूज की जाती है. और पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन सी द वीडियो कि नवरात्रि में क्या क्या सामान लेना चाहिए. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. जय माता दी. हमने आम का पत्ता लिया है, अशोक का पत्ता लिया है. हमने कलावे में उसको ऐसे अंदर डिप किया है और ऐसे गांठ लगा ली. तो ये बन चुकी है हमारी बंदरवार. तो अब हम बनाने जा रहे हैं अष्टदल कमल कलश की स्थापना के लिए. जिसके हम कलश की स्थापना करेंगे, पहले आप एक हल्दी से इसको इसका एक क्रॉस बनाएंगे, एक प्लस बनाएंगे, फिर इसको ऐसे मैच कर देंगे. इसमें चावल डालेंगे, फिर आप इसमें कलश की स्थापना करेंगे. हम कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्के को ऐसे बांध के तब इस जल में प्रवाह करेंगे. फिर हमने जो आम के पत्ते लिए थे इनको ऐसे लगा के 7 आम के पत्ते अपनी नारियल की स्थापना के लिए. नारियल को ऐसे सीधा इसमें रखेंगे ऐसे. माता रानी को गंगा जल से स्नान कराएंगे, चुनरी उड़ाएंगे, माला पहनाएंगे. माता रानी का कुमकुम, हल्दी, चावल से तिलक करेंगे. के पात्र में आप अंदर भी स्वास्तिक बनाएंगे और बाहर भी स्वास्तिक बनाएंगे जौ बोने के लिए. तो अब हम बोने जा रहे हैं जौ, और इस बात का ध्यान रखेंगे जौ एक रात पहले ही भिगोए जाते हैं बोने से पहले. पहले आप थोड़े से जौ इसमें ऐसे ही डालेंगे, फिर आप इसमें पीली मिट्टी डालेंगे, फिर आप डालेंगे गंगा जल शुद्ध करने के लिए. तो हम चढ़ाने जा रहे हैं माता रानी का श्रृंगार. अब हम माता रानी को पान चढ़ाएंगे जो माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, लौंग के जोड़े, इलायची, मीठा पान यानी मीठा पान बनाएंगे माता रानी के लिए, सुपारी, पंचमेवा, बताशे, जायफल, एक मीठा पान अग्यारी के लिए जो हम अग्यारी में चढ़ाएंगे, इलायची, लौंग, सुपारी. इसको ऐसे ऐसे करके बंद कर देंगे. माता रानी को 5 फल चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे, पंचमेवा चढ़ाएंगे.
जैसा कि आप सबको पता है कोई भी पूजा गणेश जी के बिना अधूरी होती है, तो सबसे पहले उनको जनेऊ चढ़ाएंगे वस्त्र के रूप में, धूप घास चढ़ाएंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं अग्यारी की तैयारी। ये गाय के उपले से बनी है अग्यारी, जिसको हम गैस पे गर्म करते हैं। किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही कोई पूजा स्टार्ट की जाती है। उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलाम। तो हम बता रहे हैं कि माता रानी की अग्यारी में हम क्या क्या अर्पित करेंगे। मीठा पान, गूगल, लोभान, कपूर, लौंग, इलायची, कमलगट्टे, जायफल, काजमन, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा हर किसी के समझ में भी नहीं आती और ना ही पढ़ी जाती है, इसलिए आप हिंदी में दुर्गा स्तुति है उसका ही रूपांतरण है, और ये चमन भारद्वाज द्वारा लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना पाठ पूरा कर सकते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है। तो अब हम करने जा रहे हैं माता रानी की आरती, जो कि हमें कपूर से करनी चाहिए। और अगर आपको अपना दीपक बिल्कुल साफ सुथरा रखना है तो आप इसको इसमें पहले नीचे धूप बत्ती की बरागे इसे रख सकते हैं इस तरीके से, फिर आरती करें। तो इस वीडियो के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश करी कि नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जोड़ीदार को सब्सक्राइब करें।